नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली कराने की तैयारी में जुट गई है और ये रैली राजधानी लखनऊ में होगी। जानकारी मिली है कि बीजेपी लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की मेगा रैली के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान बना रही है और ये रैली उत्तर प्रदेश, बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होगी। वहीं सूत्रों की माने तो 9, 10 या 11 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ में रैली कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि ये रैली पीएम मोदी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। यूपी बीजेपी की 19 दिसंबर से ही शुरू हो रही 6 क्षेत्रों में यात्राओं का समापन इसी दिन राजधानी लखनऊ में होगा और इस रैली को बीजेपी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कराने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाजापुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी और आपको बता दें कि करीब 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से यूपी के विकास का रास्ता निकलेगा और पीएम मोदी ने कहा कि माँ गंगा सारे मंगलों की सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है और माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा और आज आपको बता दें कि शाजापुर में ही ऐतिहासिक अवसर है। आज यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा और करीब 600 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर लगभग कई करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा। और पीएम मोदी ने कहा है कि यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमखम पर काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। और यूपी में आज जो आधुनिक आपको बता दें कि निर्माण जो हो रहा है ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है, पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है और ये आप लोगों ने भली भांति देखा है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक्सप्रेसवे वे मेरठ के बिजोली गाँव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर दांडू गाँव तक जाएगा और ये एक्सप्रेसवे मेरठ हापुड़ बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे संभल बदायूं शाजापुर हरदोई उन्नाव रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद ये राज्य की पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाजापुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। यह हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ एक घोगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। यह एक्सप्रेसवे 76 से होकर गुजरेगा और आपको ये भी बता दें कि ऐसे में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है और प्रशासन का दावा है कि करीब 98% भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी लोगों को लुभाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक आम आदमी को सरेआम पीटा है। भीड़ ने व्यक्ति को इस कदर पीटा कि वह जमीन पर गिर पड़ा और लोगों ने उसको पीटना शुरू ही किया था और अपील कर रहा था लड़का कि, लेकिन भीड़ व्यक्ति एक न सुनी और उसे बुरी तरह से पीट दिया। व्यक्ति लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। और आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला बरगद चौराहा का बताया जा रहा है जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। केंद्र सरकार ने लड़कियों के शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पहले लड़कियों ने शादी की न्यूनतम उम्र जो थी वो 18 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है
और वही केंद्र इस फैसले का जहां कई लोगों ने स्वागत किया है, वहीं ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है और ऐसी मोदी सरकार की नीति बन चुकी है और इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 18 साल के लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल के उम्र में भारत के नागरिक यौन संबंध बना सकते हैं और बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल के किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। इस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्हें अपने निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का हक है, तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों है?